चले 80 किलोमीटर। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वाद, खर्च कम बचत ज्यादा। युवराज एम्पियर इलेक्ट्रिक, सैद नगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। चुनावी रंजिश के कारण विजय प्रत्याशियों के समर्थक पर हो रहा हमला, प्रत्याशी के पति को जान का खतरा भी मंडराने लगा। दरभंगा में नगर निगम चुनाव की मतगणना 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हो गई। जनता ने जिसको चाहा वोट दिया और अपना पार्षद भी चुन लिया। आपको बता दें कि दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 29 की तीसरी बार पार्षद बनी है शबाना खानम, जिनके पति मुन्ना खान हैं। शबाना खातून ने तीसरी बार विजय प्राप्त की। विजय प्राप्ति के एक दिन बाद से ही विजय प्रत्याशी शबाना खानम के समर्थक और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कमर आलम के टारगेट पर चढ़ गया, ऐसा मुन्ना ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है। मुन्ना खान बताते हैं कि सुबह में उनके दो समर्थकों पर हमला किया गया। जब उनके समर्थक सामान लाने के लिए बाहर निकले तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने टीम को सूचना दी गई और टीम के कुछ सदस्यों ने घेर कर मारा, जो बुरी तरह से घायल है, डीएमसीएच में भर्ती। वहीं एक समर्थक को भी हल्की फुल्की चोट आई है। वहीं उनके कई समर्थक को मारने के लिए दौड़ाया जा रहा है। मुन्ना खान ने बताया कि यह चुनावी रंजिश है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। मुन्ना खान बताते हैं कि अब डर उन्हें भी सताने लगा है, जिस प्रकार से उनके समर्थक पर हमला हो रहा है। मुन्ना खान कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पर भी जानलेवा हमला किया जाए। इसके लिए मुन्ना खान कल वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। मुन्ना खान कहते हैं कि यह सब उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कमरे आलम करवा रहे हैं, जिसके साथ ही कई भू माफिया भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुन्ना खान, जानिए। कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि देखिए हार जीत होती रहती है, लेकिन इस बार का जो सिचुएशन है, कुछ लोगों ने भयभीत करने के लिए लोगों के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। जो लोग उर्दू की तरफ जा रहे हैं उनको पकड़ के पीटा जा रहा है, घर पे हमला किया जा रहा है, घर में ताला मार दिया जा रहा है और उनके किरायेदार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये एक पक्ष, ये बिल्कुल एक तरह से लोगों को भयभीत कर मतलब रखना चाहते हैं, डरा करके रखना चाह रहे हैं। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने की का मकसद सिर्फ यही है कि उन लोगों को, उन प्रशासन तक ये खबर जाए कि अगर यही हाल रहा तो वो किसी का भी जान मार देंगे और वो कभी भी किसी का हत्या कर सकते हैं अगर कि उनका मनोबल नहीं तोड़ा गया तो। आज हुआ क्या है, आज हुआ क्या है, क्या घटना घटी है वो थोड़ा बताइए। आज सवेर से ही हमारे असदुल्ला भाई हैं, उनके घर में ताला मार दिया गया, उनके किरायेदार को बाहर भगा दिया गया। जब पुलिस गई है तब यहाँ तो उन लोगों ने छोड़ा दिन के 12 बजे। हमारे कुद्दूस भाई थे, सब्जी लाने जा रहे थे, उनको पकड़ के पीटा गया, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। एक लड़का है मोनू, जिसको रात में लोगों ने पकड़ के पीटा। ये जो भी लोग, एक कॉकस बना लिया है, जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ से निकलते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं फला लड़का इस तरफ से जा रहा है और उसकी पिटाई हो जा रही है, तो इन लोगों ने ग्रुप बना लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा रुस्तम कुरैसी, पिंटू कुरैसी जिसका नाम ये वसीम कुरैसी है, उसके साथ अन्य बहुत सारे जो है जो उनके बिरादरी के लोग हैं वो हैं। वहाँ पर जो है दानिश इकबाल है, सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है वो है सब्बू, सुबह सादिक सब्बू, वो सब मिलके सारा काम कर रहा है, जिसके साथ हमारे रूमी भाई भी बैठे हुए हैं, जिसके साथ हमारे गुड्डू भाई भी बैठे हुए हैं, जिसके साथ हमारे जो है क्या कह रहे हैं ये अकरम साहब बैठे हुए हैं। और इन सबों को लीड करने वाले सबसे बड़े हैं जो प्रत्याशी रहे हैं हमारे, जो जिनके सर पे सारा काम हो रहा है, वो कमर आलम साहब है। और वो और इन सबसे सबसे ज़्यादा सबको लीड कर रहा है वो कुरैसी बरादर का है, वो है हमारा रुस्तम कुरैसी और रुस्तम कुरैसी। हमको तो लगता है ये लोग मेरा भी हत्या करना चाह रहे हैं, अगर मैं उधर गया तो मेरा भी हत्या कर देंगे। मैं कल मैं अप्लीकेशन लिख के अपने जान का की सुरक्षा हेतु मैं SSP और DM से मिलूंगा। क्या आज जो घटना घटी है इसको लेकर के कोई पुलिस कंप्लेन किसी तरह का कुछ हुआ है क्या? पुलिस कंप्लेन कर दिया गया है। पुलिस उस पर अपने हिसाब से एक्शन लेगी, लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी। लेकिन अभी जो शाम में भी वही हाल है, जो लोग जा रहे हैं उसको पकड़ के पीट रहे हैं। युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर। मिथिलांचल का गौरव अब दरभंगा में। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए युवराज एजेंसी की एक अनोखी पहल, बिहार का पहला अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा सर्विसिंग की सुविधा, एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप, मोर पावरफुल एनहांसमेंट, माइलेज इको फ्रेंडली राइडिंग, क्योंकि यह है आपके न्यू एज एनर्जी। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप, 10 रुपया में चले 80 किलोमीटर। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
36,000 रूपए से भी ज्यादा बचत। अगर आप अपनी गाड़ी में हर महीने 1,000 से 3,000 का पेट्रोल भराते हैं तो अगर आप पेमेंट लाने एवं माल पहुंचाने में 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की सफर करते हैं तो अगर आप अपने बच्चों को स्कूल की बस के किराए का खर्च अधिक होने से बचाना चाहते हैं तो अगर आप खुद 30 से 40 किलोमीटर की मार्केटिंग या कोई वस्तु डिलीवरी करते हैं तो अगर आप घर की महिला एवं बुजुर्ग को हल्के गाड़ी देना चाहें या मार्केटिंग खुद करना चाहें तो एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चला वही भरोसा वही विश्वास एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वादा खर्च कम बचत ज्यादा एम्पियर का साथ आपका विश्वास देश की सबसे ज्यादा बिकने वाला ई बाइक एम्पियर इलेक्ट्रिक एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाई ग्रिप्स 10 रुपए में चले 80 किलोमीटर युवराज एम्पियर इलेक्ट्रिक सैद नगर एकमी रोड लहरियासराय दरभंगा मोबाइल नंबर 9473118689 दूसरा नंबर 8294500443 युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर